क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्याम बिहार में आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह बिहार के दौरे पर है और लगातार इसको लेकर सियासी राजनीति चल रही है कि अमित शाह यहां पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। बिहार के जिलों में सभा कर चुके हैं। वहीं आज अगर रविवार की बात करें तो मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक का जिक्र किया, साथ ही नीतीश कुमार को पलटू राम तक करार दे दिया। आपको बता दें, अमित शाह की रैली के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि अमित शाह के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मुस्तैदी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले बिहार शरीफ में बीजेपी सेल लगाने की तैयारी में जुट गई है, जहां बीजेपी के अभियान अब और नहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर प्रणब प्रकाश 6 नवंबर को बिहार शरीफ में अब और नहीं अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान बिहार शरीफ के विभिन्न प्रखंड में यात्रा पहुँचेगी। अभियान के जरिए समर यात्रा राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थावा, रहुई, हरनौर समेत अन्य इलाकों में जाएगी, जिसको लेकर जोर तोर से तैयारियाँ शुरू चल रही हैं। वहीं इंजीनियर प्रणब प्रकाश इस अभियान से लोगों के बीच जाकर नीतीश की खामियों को गिनाते नजर आएंगे। राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थामा, कैला मोड़, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए वापस बिहार शरीफ आएगी, जिसमें सैकड़ों नालंदा वासी भाग लेंगे और वो ये बताएंगे आम लोगों को। नालंदा के नव नालंदा उच्च विद्यालय में लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के 148वें सप्ताह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शिरकत की, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के कांग्रेस पर निशाना साधे जाने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार और संयोजक के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के पास गए थे, लेकिन अब इंडिया महागठबंधन में ना तो नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हैं, ना ही उन्हें संयोजक माना जा रहा है। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को इंडिया महागठबंधन पीएम पद के लिए प्रस्तावित नहीं कर रहा है, तो नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस अब अंगूर खट्टे के समान हो गई है। ये मुख्य बात क्या है, नीतीश बाबू कहे के लिए गए थे? उनको था कि सब लोग मान ले कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ने तो संजोजक मान ले, लेकिन वो लोग क्यों मानेगा जी? सब ताकत होती है लोकतंत्र में, उनको लगता है कि हमारी ताकत ज़्यादा है। तो जानते हैं ना कि भाई क्या होता है कि अंगूर खट्टे हैं, वही वाली हाल हो गई। अब जान रहे हैं कि उनका नाम को प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं वहाँ ठीक ठाक नहीं। अगर कल कोई बोला गया कि आइए आइए हम लोग आपका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, देखिएगा बोलेंगे सब ठीक ठाक है। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में आज से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्सीलेंस इन मैथमेटिकल साइंसेज का उद्घाटन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया। आपको बता दें, इस कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया के नामचीन गणितज्ञ शामिल हुए। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है कि देश दुनिया के महान गणितज्ञों का समागम नालंदा में हो रहा है। और उनके उनके ऊपर वाले भी जो प्रमुख हैं वो तो
हर दिन आंकड़े देते रहते हैं। क्या देते हैं कि हमने इतने लोग लाख लोगों को शिक्षा स्कूलों से बाहर कर दिया। एंड यू नो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड और शेम। अगर हमारे बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर जाते हैं तो हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, इतने विद्यार्थियों को हमने बाहर किया। व्हाट इज द रीजन? दे हैव नॉट कम फॉर लास्ट 3 डेज इन द स्कूल। खबर बिहार शरीफ से। लोक आस्था कहे जाने वाले महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार शरीफ शहर के सभी छठ घाटों को अखाड़ा पर सूर्य मंदिर कोसुक और मगड़ा का निरीक्षण बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। इस निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने छठ पूजा को लेकर छठपटी सहित श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इसके लिए जो ब्लीचिंग पाउडर है या चूना डाला जाता है जिससे भी साफ हो सकता है उसकी सफाई करेंगे। और यहाँ पर घाटों का भी देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते जा रहा है। तो इस बार छठ के बाद घाटों पर भी अच्छा से यहाँ पर प्लानिंग करके योजना बना करके काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा मनीराम का अखाड़ा का तालाब है, यहाँ पर मखदूम साहब का भी। बिहार व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिपिकों ने पेशकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ताइर संघ ने व्यवहार न्यायालय के कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना भी दिया। जिला अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष पचिंदर पासवान और सचिव उमेश कुमार उर्फ मुन्ना ने बताया कि समय से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही लिपिक संघ ने तमाम समस्याओं को सामने रखा। लिपिक कर्मियों ने कहा इस पर पीठासीन अधिकारी संज्ञान लें और समस्याओं के समाधान करने का निराकरण करें। खबर मोतिहारी से। मोतिहारी से ब्रावो फाउंडेशन द्वारा निकली चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा कश्मीर पहुंची। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कभी आतंकी गढ़ रहे लाल चौक पर तिरंगा लहराया। जिस समय तिरंगा लहराया गया उस वक्त भारत माता के जय से नारों से लाल चौक गूंज उठा। फाउंडेशन मुख्य संरक्षक ब्रावो फार्मा के CMD राकेश पांडे ने कहा कश्मीर का लाल चौक कभी आतंकियों गढ़ माना जाता था, दशकों तक जनजीवन यहाँ प्रभावित भी रहा है। यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। फाउंडेशन का मकसद है कि वो 6 महीने के अंदर 20,000 पौधे लगाए जिसमें वो देश की सेना की मदद भी ले रहा है। खबर मोतिहारी से। मोतिहारी में शिव शक्ति राइस मिल के गेट पर अकाउंटेंट दिलीप सिंह से लूटपाट और हत्या के मामले पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि वारदात रामगढ़वा थाना क्षेत्र में थी जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पूछताछ में पता चला कि लूट की घटना की साजिश खुद से दिलीप ने ही रची थी। दिलीप को पैसे की जरूरत थी इसलिए लूट की साजिश रची, लेकिन अपराधियों ने लूट के पूरे पैसे को हजम करने के लिए दिलीप को ही गोली मार दी। अपनी बिछाए जाल में फंसकर दिलीप की जान चली गई। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि घटना से पहले दिलीप से संपर्क किया और पूरी घटना की साजिश रची। इस घटना के दिन उसने समय ठिकाना सब कुछ तय किया था। घटना को अंजाम देने के बाद हम सभी को 1-1 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन लूट की रकम अधिक होने थी चलते लाचर हमको लालच आ गया और हम लोगों ने दिलीप को गोली मार दी। रामगढ़वा थाना अंतर्गत जो घटना हुई थी राइस मिल में लूट और हत्या घटना हुई थी, इस कांड के उद्भेदन के लिए विशेष गठन किया गया था ASP सदर के नेतृत्व में, जिसमें SDPO रक्सौल, SDPO अरेराज, DIO के सभी प्रभारी ये थे। इसमें बहुत गहन अनुसंधान किया गया और 3 जो अभियुक्त है पकड़ा गया है, भूलन महतो पलनवा का, बीरेंद्र कुशवाहा छौड़ादानो और किशोरी कुशवाहा रामगढ़वा का। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 1 चाकू, भारतीय नोट 1300 रुपये और नेपाली नोट 1300 रुपये बरामद हुआ है। अभी तक के अनुसंधान में पता चला है कि जो मृतक है दिलीप सिंह जो उसका मृत्यु हो गई वो भी इस घटना में संलिप्त था। उसने ही इस कॉन्स्पिरेसी की थी और कुछ दिनों से वो घर बनवाने के प्रयास में था और पैसे की आवश्यकता थी और उसने फिर योजना बनाई और घटना के दिन, और इसके मृत्यु के कारण जो अभी तक स्पष्ट हो रहा है कि इसका इस लूट की घटना में के बाद इसको ज़्यादा शेयर मिलने वाला था, एक मेजर शेयर इसको जाने वाला था और दिलीप सिंह को ज़्यादा पैसा मिलने वाला था इस घटना के उपरांत, और लगातार इन लोगों को प्रेशराइज कर रहा था कि इस घटना को किया जाए और ज़्यादा शेयर होने के कारण ही अपराधियों ने इसकी भी हत्या कर दी।
खबर किशनगंज से। किशनगंज के ठाकुरगंज में ग्राम पंचायत मुखियाओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही। तमाम मुखिया प्रतिनिधि बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने हमें ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने के लिए भेजा है, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी हम अपने क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं करा पा रहे हैं। अब जब जनता हमसे 5 सालों को विकास को लेकर सवाल पूछेगी तो हम जवाब क्या देंगे? बाढ़ में पुलिस ने पशु तस्करों के कब्जे से 8 मवेशियों को छुड़ाया। बता दें हाथी तय थानाध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस ने पिकअप से 8 मवेशी बरामद किए, लेकिन मौके से ड्राइवर और तस्कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मौके से मिले मवेशियों को गौशाला भेज दिया, साथ ही तस्करों की तलाश करनी शुरू कर दी है। खबर किशनगंज से। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से, जहां सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष जवाहुल हक ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मंच से अपने संबोधन में कहा था कि बिहार में हमारी सरकार आते ही खड़गड़ी और भेरभरी पुल बनाने का काम करूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के लगभग 5 साल बीत गए लेकिन फिर भी पुल का कुछ अता पता नहीं चला है। वहीं इस मामले में ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सऊद आलम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुल तो पास हो गया लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जल्द ही पुल का काम शुरू किया जाएगा। खबर पटना से। पटना में बरौनी के फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक मोबाइल स्टोर से कीमती फोन लेकर फरार होने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशन के आधार पर की है। बता दें फुलवरिया थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी दुकान के मालिक ने बीते कुछ दिन पहले मोबाइल चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। अगली खबर मोतिहारी से। मोतिहारी में डीएम के निर्देश अनुसार पुलिस लगातार शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जरूरत है कि पुलिस एक्टिव रहे, क्योंकि शराब तस्करी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को भारी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस को छतौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्प्रिट भी बरामद हुई है। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से पिकअप वाहन के साथ साथ कई सामान भी बरामद हुआ है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय पूर्वी चंपारण के आदेशानुसार नित्य दिन छापामारी कर रहे हैं, और इसी छापामारी के क्रम में कल सुबह एक कार पकड़ी गई है जो कि नेपाल से शराब लेके मोतिहारी आ रही थी, और उसमें कुल 1020 पीस नेपाली कस्तूरी शराब बरामद हुआ और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, अतुल कुमार और विकास कुमार। कार को जब्त कर ली गई है, और उसी छापामारी के दौरान कल एक सूचना के आधार पे हम लोग छतौनी थाना के गली, वो 8 समाज रोड कहलाता है, उसी में एक गोदाम है ढिल्लन गोदाम, जिसमें कि पहले अभी ढिल्लन ये स्टार कैरियर प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन है, उसमें सूचना मिला था हम लोगों को कि स्पीड का जर्किन स्मगलिंग के लिए रखा हुआ है। खबर पटना से। पटना में फतुहा SDPO सियाराम यादव ने फतुहा के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। घाटों पर गोताखोर मेडिकल टीम और SDRF टीम तैनात रहेंगी। घाटों पर फटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आदेश दे दिए गए हैं। आस्था के पर्व छठ के अवसर पर जो छठ घाटों पर तैयारियां होनी है, इस कड़ी में हम लोग आज फतुहा पुलिस अनुमंडल के विभिन्न खतरनाक घाटों का निरीक्षण किए हैं, जिसमें समस्तपुर घाट, मस्ताना घाट ये महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में हम लोग अभी मस्ताना घाट पर है, ये खतरनाक घाट है, इसमें पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी है। हम लोग इस बार चाहते हैं कि पुलिस की कोई भी चूक नहीं रहे, सारी तैयारियां कर ली गई हैं, बाकी की तैयारियों के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है और हम लोग प्रतिनियुक्ति रखेंगे। तो आज के प्राइम बिहार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांव पेच, अफसरशाहों से मिले